हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके पास हमारे स्वीट हार्ट सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारा वांगजी सोच रहा था कि विंग को कैसे पटाए। हमारा वांगजी अब बिल्कुल एक प्रॉपर मजनू बनने का सोच रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो अब फाइनली बढ़ ही जाते हैं आगे। हमारा वांगजी सोच रहा था कि विंग को पटाने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। जैसा फिल्मों में होता है, क्या उसे बिल्कुल वैसा करना चाहिए विंग के सामने हीरोपंती दिखाकर? हमारा वांगजी और भी बहुत सारी ऊट पटांग आइडियाज सोच रहा था, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा। वो पहले विंग को फिल्म दिखाने ले चलेगा, लेकिन कैसे? क्या विंग मानेगा? वो तो अब तक दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा। हमारा वांगजी अब विंग को पूरे दिल से चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन सोचने की बात तो ये है, क्या इतना प्यार हमारा विंग हैंडल कर पाएगा? अपने साइको मजनू को क्या वो संभाल पाएगा? देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वांगजी से सुधरने की उम्मीद करना बेकार है ना? वांगजी अपनी आंटी को बुलाता है और कहता है, क्या आप विंग को मनाएंगे मेरे साथ फिल्म देखने जाने के लिए? लैंड बाफ़से सिरेन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं मनाऊंगी, वैसे भी तुमने रायता फैलाया है तो खुद ही समेटो, कहकर लैंड बाफ़से सिरेन किचन में चली गई। उन्होंने आज से पहले वांगजी को इतना कभी नहीं डांटा था, उसे इतना कभी नाराज़ भी नहीं हुई। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे विंग को मनाना ही होगा, किसी भी हालत में मनाना ही होगा, लेकिन उसे मदद की ज़रूरत है। कैसे मदद मिलेगी? अब वांगजी अपने हाथ जोड़कर गॉड से प्रे करने लगता है कि उसे कोई रास्ता मिल जाए जिससे हमारा विंग बिल्कुल मान जाए उसके साथ आने के लिए और इसे प्यार करने लगे। इतने में ही दरवाजे पर डोर बेल बजती है। लैंड बाफ़से सिरेन जाती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही बू कहकर हमारा आचिंग उन्हें डरा देता है। और फिर लैंड बाफ़से सिरेन कहती है, आचिंग तुम नहीं सुधरोगे। और फिर आचिंग कहता है, विंग कहाँ है और उसका हस्बैंड? वो दहा वांगजी वहीं पर बैठा है और विंग ऊपर है, उसकी तबीयत ख़राब है ना? आचिंग कहता है, हाँ वो मैंने अंकल से पूछा था, विंग के साथ कुछ हादसा हो गया। और फिर आचिंग अंदर जाता है और वांगजी से पूछता है, क्या तुम उस वक्त घर पर नहीं थे जब विंग सीरियो से गिर गया? सीरियो से? फिर लैंड बाफ़से सिरेन जल्दी जल्दी आती है और वांगजी को कहती है, हाँ वो मैंने उसे बता दिया। वांगजी तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आचिंग तुम अब फिर से पुरानी बातें मत करना शुरू कर देना। विंग सीरियो से गिर गया जिस वजह से उसका बेबी मर गया। वांगजी तब ऑफिस में था, कोई भी घर पर नहीं था, इसीलिए देर हो गई थी। आचिंग कहता है, इसमें वांगजी की तो कोई गलती नहीं है, विंग को संभाल कर चलना चाहिए था। वांगजी को ऑफिस तो जाना ही था, काम भी तो ज़रूरी है। कोई बात नहीं, हम सब हैं ना यहाँ पर, हम किसी ना किसी तरह विंग का दिल अच्छा कर ही देंगे, देखना। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, आप जियांगचन है ना, विंग के ब्रदर? हाँ मैं वही हूँ, तुमने तो मुझे पहचान लिया, हमने तो सिर्फ 5 मिनट बातें किया था, वो भी तुम्हारे वेडिंग डे पर, तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या विंग तुमसे नाराज़ है? वांगजी एक सैड सा स्माइल करके कहता है, हाँ वो मुझसे नाराज़ है। और फिर लैंड बाफ़से सिरेन जल्दी जल्दी आचिंग से कहती है, हाँ वो वांगजी उस वक्त घर पर नहीं था ना, विंग को बहुत तकलीफ़ हुई थी और वांगजी को आने में भी काफ़ी देर हो गया था, इसीलिए विंग वांगजी से नाराज़ है, इसीलिए बात नहीं कर रहा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही वहाँ पर लैंड चिरैन आ गए। लैंड चिरैन भी बाफ़से सिरेन के साथ एक ही बात बोलते हैं, वांगजी समझ गया था, फैमिली रिप्यूटेशन के चलते ही ये लोग ऐसा कह रहे हैं। शायद अंकल आंटी किसी को बताना नहीं चाहते कि विंग के साथ क्या क्या हुआ है या असली बात क्या है। शायद विंग भी ये बताना कभी नहीं चाहेगा, इसलिए वांगजी भी उनकी बातों में ही अपनी बात मिलाता है। आचिंग अपनी तरह से बकवास किए जा रहा था, ढेर सारी बातें और पुरानी बातें भी, लेकिन वांगजी का तो कोई ध्यान ही नहीं था। वांगजी अभी भी सोच रहा था कि विंग को कैसे मनाएं। और फिर आचिंग वांगजी का लटका हुआ चेहरा नोटिस कर कहता है, क्या हुआ, तुम क्या मेरी बातें नहीं सुन रहे? और फिर वांगजी कहता है,
नहीं, वो विंग मुझसे नाराज़ है ना, मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे मनाऊं, फिर राजिंग एक स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ मिलकर विंग को मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। हम सब? हाँ हम सब, मेरी जीजे भी आ रही हैं पीकॉक को लेकर। हाँ, उन्हें भी पता चला ना विंग के बारे में, अब इतने ऐसे समय में वो बिना आए कैसे रह सकती हैं। जीजे जल्दी पहुंच जाएंगी। लेकिन उतने में ही हमारे वांग जी के फ़ोन पे एक कॉल आता है। वांग जी जल्दी से कॉल उठा लेता है और कहता है, क्या हुआ गगा? और फिर शीचैन का कहते हैं, वांग जी मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे लेने आओ। क्या आप कंट्री आ गए? हाँ मैं आ गया, वो मुझे विंग की बहुत फिक्र हो रही थी तो मैं आ गया, मुझे लेने आओ। और फिर वांग जी कहते हैं, हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ। और फिर जैसे ही वांग जी जाने वाला था, आजिंग पूछता है, क्या हुआ? और फिर वांग जी बताता है, मेरे गगा आए हैं, वो उन्हें वी की बहुत चिंता हो रही थी ना, इसलिए वो आ गए। आजिंग के चेहरे पे एक चमक सा आ गया। पर तुमने तो अभी अभी कहा कि तुम वेंग को मनाने के लिए उसे लेकर सिनेमा देखने जाना चाहते हो। वांग जी कहते हैं, हाँ अब गगा आए हैं तो पहले उन्हें रिसीव करना पड़ेगा ना। लेकिन आजिंग कहते हैं, अरे नहीं नहीं तुम वेंग के पास जाओ, मैं तुम्हारे गगा को लेकर आता हूँ। आप मेरे गगा को ढूंढ लोगे? अरे हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से वो याद है। और फिर आचिंग अपने दिल में कहता है, हाँ अच्छे से याद तो होंगे ही ना, मेरी नींदें हराम करने वाले को मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। जब से देखा है नींदों ने दुश्मनी कर लिया है मुझसे। नींद ही नहीं आती? हमारा आचिंग मुस्कुरा रहा था और हमारे शीचैन का के बारे में सोचे जा रहा था। और फिर वांग जी कहता है, क्या हुआ आचिंग? और फिर आचिंग होश में आता है और कहता है, कोई ना तुम विंग के पास जाओ, मैं तुम्हारे कका को लेकर आता हूँ। आप उन्हें ढूंढ लोगे? हाँ बिल्कुल, हज़ारों के वीर में भी ढूंढ लूँगा, मुझ में एक स्पेशल टैलेंट है समझे। वांग जी एक स्माइल करता है और ऊपर विंग के कमरे की ओर जाने लगता है और आचिंग फ़ौरन ही दौड़ पड़ता है एयरपोर्ट की ओर। और जैसा कि आचिंग ने कहा था, वो फ़ौरन ही शीचैन का को पहचान लेगा। हाँ बिल्कुल, उसे तो शीचैन का अच्छे से याद है, भले ही एक ही बार देखा था, देखते ही प्यार हो गया, याद तो रहेगा ना। आचिंग जल्दी से जाता है शीचैन का के पास और बातें करने लगता है। लेकिन शीचैन का कहते हैं, आप कौन हैं? आचिंग थोड़ा सा मुंह लटका लेता है और कहता है, मैं जियांग चन हूँ, विंग का कज़िन। उन दोनों की शादी में भी तो हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने आपसे कितनी बातें की, भूल गए ना आप? मुझे भूल गए इतनी जल्दी? हमारा शीचैन का कहते हैं, अरे सॉरी मैं सच में भूल गया था, कोई बात नहीं अब से याद रखूँगा। और फिर आचिंग एक स्माइल करता है और बहुत ही पोलाइटली गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। शीचैन का गाड़ी में बैठता है और फिर आचिंग जाकर ड्राइविंग सीट में बैठकर कार चलाने लगता है। कार चलाते वक्त वो शीचैन का की ओर देखकर कहते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। शीचैन का आचिंग का फ्लर्ट समझ रहे थे और वो एक स्माइल करके कहता है, आप भी बहुत हैंडसम हैं। शीचैन का उसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन आचिंग बार बार बहुत सारी बातें कर रहा था और बार बार बस शीचैन का के लिप्स की ओर देख रहा था। शीचैन का के फेस पे एक क्यूट सा स्माइल था, जैसा कि हमेशा होता है, उनका पागल कर देने वाला स्माइल, जैसे किसी को भी उनसे प्यार हो जाए। जैसे ही आचिंग बातें करना बंद करता है, फिर शीचैन का पूछते हैं, विंग कैसा है, अब वो ठीक है ना? आचिंग कहता है, हाँ वो विंग तो ठीक ही साउंड कर रहा था, पर वांग जी बहुत अपसेट हैं। और फिर आचिंग फिर से बकबक करने लग गया, जब हमें पता चला कि विंग का बेबी अब नहीं है और वो ऊपर से वांग जी से भी नाराज़ है, हम यहाँ आ गए वगैरह वगैरह वगैरह। आचिंग अपनी तरह से बकबक किए जा रहा था। शीचैन का थोड़ा तो इरिटेट हो रहे थे, लेकिन उन्हें अच्छा भी लग रहा था। और फिर वो लोग मेंशन पहुंच गए। मेंशन पहुंचकर हमारे शीचैन का जल्दी जल्दी अंदर गए और अंकल आंटी से बात करने लगे। और हमारे शीचैन का को देखकर पहले ही लन बाफ्सा सरेन उनका हाथ पकड़कर उन्हें किचन की ओर लेकर गई और कुछ समझाने लगी। शीचैन का समझ गए कि उन्हें क्या क्या कहना है और असली बात यह किसी को भी नहीं बताना है। कुछ ही देर में शीचे यान ली उनके हस्बैंड के साथ यहाँ आ चुकी थी, वो भी विंग से मिलना चाहती है, लेकिन विंग ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला।
वो अभी भी अंदर ही बैठा हुआ है। उसने बस कल एक बार दरवाज़ा खोला था और सुबह जब वांग जी ब्रेकफास्ट लेकर गया तब दरवाज़ा एक बार खोला था। उसके बाद भी उसने दरवाज़ा बंद ही रखा था। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, कुछ खा पी नहीं रहा था, बस अपनी तरह से बैठा हुआ था। वांग जी भी कई बार आवाज़ देता है फिर से, लेकिन विंग उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। और फिर जैसे ही जिजे यानली वहाँ गई, उनके बुलाते ही विंग ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया और जिजे यानली को हग करके बहुत तेज़ रोने लगा। विंग को फिर से रोता देख वांग जी अपनी सर झुका लेता है। उसे अपने दिल में अजीब सा पेन महसूस हो रहा था। वांग जी सोच रहा था कि अब मैं विंग का रोना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ही दिन पहले मैं खुद ही उसे रुला रहा था। कुछ दिन पहले तो मैं खुद ही उसे रुला रहा था। वांग जी अपसेट हो गया था विंग को रोता देख। और फिर जिजे यानली विंग को संभालने लगी, उसके आंसू पोंछ कर उससे बातें करने लगी। वांग जी नीचे आ गया था। यानली जिजे वहाँ विंग के साथ ऊपर बातें कर रही थी और वांग जी नीचे सबके साथ बैठा हुआ था। लैन बाफसा सरेन वांग जी को पहले ही समझा चुकी थी कि उन्होंने शिजैनगा को भी सब कुछ बता दिया है और वो भी कोऑपरेट करेंगे और असली बात किसी को नहीं बताएंगे। आखिर लैन परिवार की इज्जत का जो सवाल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज़। बाय बाय बाय।